तो हमें पता लगेगा कि उसके अंदर एक एल्कोहोलिक ग्रुप होता है विद वन डबल बॉन्ड और कार्बन एटम्स जो का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमारे पास चार साइक्लिक कंपाउंड क्लास की एक चेन होती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेन थ्री कोलेस्टेरॉल इज लाइट येलो सॉलिड सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ऑर्गेनिक सोलवें कोलेस्टेरॉल जो होता है वो एक फैटी वैक्सी सब्सटेंस होता है वैक्स जैसा दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है येलो कलर का और ये क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल होता है और, और अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। इट इन द बॉडी थ्रू सिंथेसाइज इन द लीवर इंटेस्टाइन एड्रीनल कॉर्टेक्स स्किन एंड टेस्टिस। ये बॉडी में अलग अलग जगह सिंथेसाइज होता है जैसे लीवर इंटेस्टाइन एड्रीनल कॉर्टेक्स स्किन एंड टेस्टिस्ट इसको याद करने के लिए आप ए लिस्ट से याद कर सकते हैं ए इज फॉर एड्रीनल कॉर्टेक्स एल इज फॉर लीवर आई इज फॉर इंटेस्टाइन एस इज फॉर स्किन एंड टी इज फॉर टेस्टिस इट कैन बी सिंथेसाइज एंड द प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म ये सिंथेसाइज होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हमारा कैटाबॉलिज्म में नहीं जाता है Only हमारा making of bonds यहां पर होती है ये अलग अलग चीजें बनाता है जैसे esters, acids by different biochemical reactions. Derivatives, अब के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं अलग अलग हमारे पास कोलेस्टेरॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्प करता है हॉर्मोन्स वगैरह बनाने में अलग एसिड्स बनाने में और ईस्टर्स वगैरह बनाने में

और बाइल सॉल्स और अलग अलग हॉर्मोन्स है वो हमारे कोलेस्टेरॉल की तरह फंक्शन को शो करते हैं कोलेस्टर की वजह से बन पाते हैं सो so, हैंस्टोरॉल जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है कोलेस्टेरॉल इज अ डेराइव लिपिड एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ 150 टू 200 हंड्रेड एम पर डी एज अ नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल the increased cholesterol results in cardiac diseases called atherosclerosis the disease jo cholesterol hota hai wo ek derived lipid hota hai ye ek sterol hota hai jo alag alag hormones ki production karta hai अगर cholesterol का amount हमारे blood में बढ़ गया 150 से 200 mg per dl से बढ़ गया तो हमारी body में डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी कल कंडीशन होनी शुरू हो जाएगी जैसे कि अगर वो हमारा लीवर पे जाके एक्यूमलेट हो गया फैट बैड फैट लीवर पे जाके एक्यूमलेट हो गया तो हो सकता है वो वहाँ पे फैटी लीवर की फॉर्मेशन करवा रहा हूँ और लीवर की अलग अलग कंडीशन जो कि डेंजरस कंडीशन है सिरोसिस की वो भी ये करा सकते हैं और हार्ट पे अगर ये एक्यूमलेट हो रहा है तो अलग अलग कार्डियो कॉम्प्लिकेशन जैसे आर्टीरो आर्थिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये सारी डिजीज करवाएगा इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल आर्टरी है फेज वन के अंदर धीरे धीरे वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई जो फैट्स होते हैं उनकी प्लेग्स उनकी लेयर्स जो है वो बढ़नी एक्यूमरेट होनी शुरू हो गई तो लास्ट फेज फोर में क्या हुआ आर्टरी जो हो गई वो नैरो हो गई जो आर्टिकल ह्यूमन होगा वो नैरो हो जाएगा और वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और टिश्यूज की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी कोलेस्टोरॉल इज बायोसिंथिस इन द बॉडी एंड डेली वन ग्राम इज इंथिसाइज

टर ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का डैट इज कोलेस्ट्रॉल इज अबंडेंट इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यूज एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये हमारे नर्व के जो टिश्यूज होते हैं ब्रेन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और वहां पर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन करवा रहे होते हैं सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करवाते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सिटेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्रेन इन द फ्लुड मोसायक मॉडल फ्लुएड मोसायक मॉडल की एक लिपिड की बाइलेयर्स होती है उनके अंदर प्रोटीन्स एक्सर सेल्युलरली प्रेजेंट हो सकते हैं इंटरसेल्युलरली प्रेजेंट हो सकते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसकी रिजिडिटी जो होती है उसको मेन्टेन करवाने में हेल्प करता है हमारा कोलेस्टेरॉल सो इट हेल्स मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ द मेम्रेन इट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सिट्सोटी एंड इज कॉल्ड एज बैड कोलेस्टेरॉल वेन इट इज एन एल डी एल दैट इज लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन अगर वो बैड फॉर्म में है मतलब कि वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है अगर हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है मतलब वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है कि एच जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देगा लेकिन जो एल है वो हमारी बॉडी को नुकसान देगा और हमने पीछे देखा था कि वो आर्थियोस जैसी बीमारी करवा सकता है सो so, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का वो क्या होता है तो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेटर में सबसे पहले अगर हम लैब लैब में प्रिपरेशन करवा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की तो उसके अंदर कम से कम 40 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जिनमें से हम पढ़ रहे हैं पांच मेन स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसमें से पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मेवोलोलोनेट मेवोलोनेट जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा मतलब एक प्रिकल्सर होगा हमारे कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में ये दो एसिटाइल को एंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ थीओलेस एंड एच एम जी को एंजाइम ए की मदद से मेवोलोनेट की फॉर्मेशन होगी अगर एक बार मेवोलोनेट बन गया तो इजीली हमारे सारे स्टेप्स हो जाएंगे और एंड में हमारा एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें जो कि कोलेस्टेरॉल है और 27 कार्बन एटम का कंपाउंड मिल जाएगा सो फॉर्मेशन ऑफ मेवोलोनेट

सेकेंड स्टेप में क्या होगा अब ये मेवोलोनेट अपनी कुछ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स की फॉर्मेशन करेगा जब आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स बन जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्क्वेलीन फॉर्म होगा अब जो स्क्वेलीन है वो एक टरपाइन कंपाउंड है वो एक थर्टी कार्बन का कंपाउंड है लेकिन हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन एटम्स का हो। होगा मतलब कुछ कार्बन एटम्स के बॉन्ड्स की शिफ्टिंग से या कुछ रिडक्शन से हमें कार्बन uh, को रिमूव करवाना पड़ेगा तो वहां पर कुछ ऐसे प्रोसेस चलते हैं जैसे हमारा स्क्वेलिन जो है वो साइक्लाइज होके लैनोस्टेरॉल की प्रोडक्शन कराता है सो फ्रॉम द आइसोप्रेनॉइड अ टर्पाइन कंपाउंड कॉल स्क्न विथ थर्टी कार्बन एटम इज फॉर्म एंड दिसम्बलेंस टू स्टेरॉइड्स

जो हमने कोलेस्ट्रॉल की ये स्टेप्स पढ़े तो इनके अंदर क्या मैकेनिज्म होते हैं सबसे पहले है कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चलता है जो एच एम जी को रिडक्टिव एंजाइम होता है वो एक रेट कंट्रोलिंग एंजाइम है और रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये एंजाइम ही हमारे कोलेस्टर की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने कोलेस्ट्रोल बॉडी में चाहिए कितना एक्स्ट्रा हो गया है तो ये सारी चीज़ें जो है कि उसकी सिंथेसिस रुकवानी है ये सारा काम हमारा एच एम जी कोजाइम ए रिडक्टिज का है द रेट कंट्रोलिंग एंड रेट लिमिटिंग एंजाइम और इसकीसिस जो है वो लीवर के अंदर ही हमारी रुकेगी क्यों जब हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं या diet के के uh, ले रहे हैं हो रहा है है तो वो वो हमारा जो उसका amount है, वो depend करेगा हमारे इस ऊपर so इसकी रिड्यूस होगी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेने की वजह से फास्टिंग द लिपिड कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड देयर नो फूड इज टेकन कीटोन बॉडी फॉर्मेशन तो अगर कोई भी फूड नहीं लिया जा रहा है लिपिड फैट फैटी फूड नहीं लिया जा रहा है मतलब डाइट के थ्रू तो कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया जा रहा है तो हमारा जो एच एम जी कंजर्म ए है वो किटोन बॉडीज की फॉर्मेशन शुरू कर देगा हाई फैट डाइट ये हमें पता है जितना भी हम तेल वाला खाना या फैट वाला खाना लेंगे उससे कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी द वर्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैकेजमे टू द बैलेंस अब नेगेटिव फीडबैक हमने इसे क्यों बोला एक तो रेट लिमिटिंग एंजाइम की वजह से और रेट कंट्रोलिंग एंजाइम की के ले रहे हैं और कितना हमारा एच एम जी को में यूज हमारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर लीवर के अंदर हो रहा है तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होगा तभी एक ऑप्टिमम अमाउंट एक एडिक्वेट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रेजेंट होगा The word negative feedback mechanism refers to the balance to the stuck between the amount of dietary cholesterol and utilization of HMG coenzyme A to biosynthesize cholesterol and in the process regulate normal level of cholesterol in the body. Up factors affecting cholesterol synthesis. First is dietary factors. In case of dietary fat, रिजल्ट इन सेचुरेटेड कुछ फैटिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देते लेकिन कुछ फैट्स जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होते और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करते हैं सो डाइटरी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेकेंड फैक्टर इस अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहे हैं तो भी वो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा इनटेक ऑफ टू मच कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल बिकॉज सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स डाइट्री कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हेरिडिटरी इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल नेक्स्ट इज दैट कि देयर इज एविडेंस गुड एविडेंस दैट रिप्लेसिंग सैचुरेटेड फैट्स विद सम अनसैचुरेटेड फैट्स अगर हम कुछ सैचुरेटेड फैट जो बैड फैट फैट्स जो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहे हैं उनको फैट गुड फैट से रिप्लेस कर दें तो वो लो करवाएगा वो हेल्प करेगा लो करने में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जैसे हम कहते हैं कि हमें ऑलिव ऑयल खाना चाहिए क्योंकि वो फैट्स को एक्यूमलेट जमने नहीं देता बॉडी के अंदर और वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है कैलरी इनटेक इट इंक्रीजेज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स

फिजिकल एक्सरसाइज रिड्यूस इज लेवल अगर हम एक्सरसाइज करेंगे एक गुड हेल्थी डाइट लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा मतलब एल डी एल जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच